अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। दैट्स वंडरफुल। अच्छा ये बताएं मुझे, योर गुड नेम? जवेरिया। फैंटास्टिक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल नेम। ये बताएं मुझे कि हर बंदा जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है। जी, जी। कुछ लोग जो मोटे हैं वो पतले होना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं। जो लंबे कद वाला है वो छोटा होना चाहता है। जो काला है वो गोरा होना चाहता है। और जो गोरा है वो तो फिर अल्लाह की रहमत है ना। तो ये लोग कॉम्प्लेक्स का क्यों शिकार है? आई गेस आजकल लोग वो कहते हैं ना बींग माई सेल्फ होना, वो लोग नहीं करते। लोग ना ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते करते ना वो अपनी पहचान भूल के दूसरों को देखते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, मेरा ख्याल है आपको अपने अपना देखना चाहिए, अपना दिल देखना चाहिए कि आपका दिल क्या किस चीज़ से राजी होता है। अगर आप पतले हैं, यू शुड बी हैप्पी बींग स्लिम। आपको किसी को ट्रेंड नहीं फॉलो करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं देखनी चाहिए जिससे आपका माइंड बाद में दिल आजारी हो। तो आई फील लाइक ये इसलिए होता है क्योंकि ना लोगों को होता है कि ट्रेंड जो आ रहा है आजकल टीवी में, लोग उसको फॉलो करते हैं। टीवी शोज में गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है इस चीज को, विच हैज अ बिग इंपैक्ट फॉर द मीडिया, फॉर द पब्लिक मैसेज एज वेल। सो आई गेस इट्स बेटर टू एजुकेट द यंगस्टर्स कि इट्स ओके टू बी योरसेल्फ द वे यू आर। जैसे अल्लाह ने आपको बनाया वो बेस्ट है, बेस्ट है, जो आपको दिल करता है वो करे। मुझे अब ये बताएं, आप अपने आप से मतलब मुतमिन है? बहुत ज्यादा मुतमिन हूँ, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा अपनी सुनती हूँ और किसी की देखती नहीं हूँ। ऐसा ना होगा अब लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें। वैसे करते हैं, मैं ब्लॉगर, आई एम अ मॉडल एज वेल। रियली? या या। फैंटास्टिक। तो आपका कोई ऑफिशियल पेज भी है? या या, जवेरिया ख्वाजा। जवेरिया ख्वाजा। ख्वाजा। आई हैव 50k प्लस फॉलोअर्स। माशाल्लाह। तो अब आपको ये पता आप किससे बात कर रही हैं? जी। आप किससे बात कर रही हैं, आपको ये पता? किससे बात कर? मैं मकसूद अनवर जानो बाबा फिल्म स्टार हूँ, फिल्मों का विलन हूँ। ओके ओके। विलन से बात कर। ओके नाइस। लेकिन इसके अलावा मैं ये होस्टिंग भी करता हूँ ना। चलें, दैट्स गुड टू नो कि डाइवर्सिटी आपने बरकरार रखी अपनी जिंदगी में। फैंटास्टिक हो गया। कोई टैलेंट है आपके अंदर इसके अलावा? इसके अलावा नहीं, ऐसा नहीं होगा अभी वाला, नहीं अभी वाला टैलेंट नहीं है। हाँ। खाना अच्छा पका लेती है कि नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या खाना? बर्तन तोड़ती है। फील्ड ऐसी है ना कि आपको पता, आप अंडरस्टैंड करते होंगे, फील्ड ऐसी है कि ना काम शाम बहुत होते हैं, शूट्स होते हैं, इस तरह आना जाना, दूर ट्रैवल करना पड़ता है, दूर ट्रैवल करना पड़ता है, सिटीज में ट्रैवल करना पड़ता ही होता है। अच्छा, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी? जो लोग जिहड़ा काला है वो कहंदा मैं क्रीमा ला ला के अपने मुंह चिट्टा करा। हेल्थ कॉन्शियस होना नहीं चाहिए आपको, मतलब कि ट्रेंड, वही मैंने बात की, ट्रेंड आप लोग ना हम लोग फॉलो कर लेते हैं, इस ट्रेंड में ये अच्छा लगता है, हम उस हिसाब से अपने अपने छोड़ के ना बस दुनिया को सेटिस्फाई करने के, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हम वो चीज़ कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और आपको जो दिल करता है वो खाएं, जो दिल करता है उस तरह बने, दैट्स इट। तो जिहड़ा माड़ा बंदा दाल ही खाई जांदा तो वो भी ठीक है, गुजारा करें। उसको कभी कभार गोश्त भी तो खा लेना चाहिए। नसीब आ जाए, नसीब अच्छा कर ले। सुभान अल्लाह, नसीब तो ऊपर वाला लिखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फैंटास्टिक, जुग जुग जिए, सदा सलामत रहें। ये सूट आपने फ्रांस से लिया था? नहीं नहीं, ये मैंने खुद से ही इधर उधर से करके बनाया। इधर उधर से? हाँ, मतलब कहते हैं रैंडमली कहीं जाना, वहाँ से कुछ पसंद आ गया। आपका चॉइस भी बाग कमाल। थैंक यू। हीरो दुआएं आपके लिए, अल्लाह के ताला की जात आपको बहुत अरूज अता करे, अल्लाह ताला की जात आपको इतना ऊपर लेके जाए, इतना ऊपर लेके जाए, इतना ऊपर लेके जाए कि आपको ठंड लगनी शुरू हो जाए। आप कहें मैं अपने साथ ब्लैंकेट तो लेके नहीं आई। जी जी। सलामत रहें। आए नाजरीन, जवेरिया से आपकी मुलाकात हुई, शी इज़ अ वेरी गुड मॉडल। और जवेरिया ख्वाजा, ये मुझे आपने बताया, मेरी मेमोरी थोड़ी सी अच्छी है क्योंकि मैंने आज से तकरीबन 4 महीने पहले आखिरी बार 4 बादाम खाए थे। तो अल्लाह आपको सलामती दे। सो नाइस ऑफ यू। मुझे दो बड़ा पसंद करते हैं, मेरा अपना स्टाइल है। इट फील्स लाइक यू आर बीइंग योरसेल्फ एंड यू नो जो दिल में आता है वो आप कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, जुग जुग जिए। गुड लक टू यू। सो नाइस ऑफ यू। आए नाज़रीन, जवेरिया के बाद आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। अच्छा, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछता हूं। ये बताएं, जो काला है वो गोरा होना चाहता है, जो मोटा है वो पतला होना चाहता है, हर बंदा कॉम्प्लेक्सेस का मारा हुआ है, जो लोग हैं मेडिसिन खा रहे हैं, डिफरेंट हाइजीनिक फूड खा रहे हैं, तो आप अपने आप से मुतमिन हैं? जी, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं जो भी हूँ मैं अपने हाल पे खुश हूँ। सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच। तो ये बताएं, जो लोग काले हैं वो गोरे होना चाहते हैं, वो लोगों से लुट भी रहे हैं, मेरा ख्याल है कि क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस हैं इन चीज़ों के ऊपर। और अगर इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई अपने आप को बेहतर करने के लिए कोई कॉस्मेटिक या कोई डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके कोई ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहता है, तो इसमें हर्ज नहीं है। हर इंसान का हक है
कि वो खूबसूरत नजर आए। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो खूबसूरत नजर आए। लेकिन अगर एक मोटा बंदा है बेचारा, वो बेल्ट लेके आया है और उसके टेट के ऊपर लाशें पै गई हैं, निशान पै गए हैं, चर्बी घटाने के चक्कर में उस बेचारे ने अपने आप को इंजर्ड कर लिया है, जख्मी कर लिया है। व्हाट विल यू से अबाउट इट? ये भी उन लोगों की बेवकूफ़ी है जो बगैर सोचे समझे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों को सबसे पहले स्टडी करना चाहिए, स्टडी करके देखना चाहिए इनके यूजेज कैसे हैं, किस एज के लिए कौन सी प्रोडक्ट बनी है, मटेरियल किस तरह का है, उसका टेक्सचर किस तरह का है, वो मेड कहाँ का बना हुआ है, और फिर ये प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। आई थिंक कि अवेयरनेस की बहुत कमी है, अवेयरनेस के लिए सबसे पहले लोगों को जो है वो कंसल्ट करना चाहिए और फिर ये प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आप जब भी कुछ चीज़ लेके आए तो उसके ऊपर देख लें क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना और पता चलता बनी होती है मेड इन सांदा या मेड इन मंडी मरीज के, मेड इन पत्तों की, मेड इन पिंडी पट्टियाँ। बाद में कहते हैं मैंने अपने चेहरे पे क्रीम लगाई थी और मैंने चाहा था मेरा रंग गोरा हो जाए लेकिन मेरे चेहरे पे तो पिंपल पड़ गए हैं। तो कुड़ी दुआ मांग रही होंगी, या अल्लाह मेरे पिंपल ठीक हो जान, मैं मिठे चौलों की देग वंडांगी। आए नाजरीन आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं वो अपने चेहरे से मुतमिन है के नहीं। आए जानू बाबा के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है, मैं कौन सा दीवार से टकरा गया हूँ। अच्छा ये बताएं कि जो लोग हैं वो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हैं, जो मोटा है वो पतला होना चाहता है, जो काला है वो गोरा होना चाहता है, जो आप जैसी छोटी है वो लंबी होनी चाहती है, बताएं क्या कहेंगी आप? देखें ये दुनिया है, पाकिस्तान है, ये यहाँ पर हर बंदे को किसी ना कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स है। इवन अगर मैं छोटी हूँ तो मैं किसी भी लंबी लड़की को देखूंगी तो मैं, अगर मुझे वो अच्छी भी लग रही होगी तो मैं कहूँगी कितनी लंबी है यार, खंबी सी ना हो तो क्या खाया है, कितनी लंबी हो गई है। और अगर मैं किसी को छोटी देख लूँ मैं कहूँगी इतनी टिड्डी है, और खुद को मैं कभी भी नहीं देखूंगी। अगर कोई मुझे काला दिख जाएगा तो क्या मुना मत्था जीने पाड़ा था, अगर मैं किसी को चिट्टा देख लूँ तो मैं कहूँगी कितनी अजीब सी लग रही है, कक्की सी लग रही है। तो मैं किसी ना किसी को बात करती रहूँगी क्योंकि हमारा जो अंदर है ना एक जेलसी, लड़कियों में तो एक खास तौर पर जेलसी फैक्टर होता है कि दूसरी लड़की से अगर वो बिल्कुल बहुत प्यारी भी है तो फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकालती रहेगी। अभी दुनिया का दस्तूर है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को लगता ही रहता है। यानी आपका मतलब ये है कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं दूसरों को बुरा कह के, दूसरों के कोड निकाल के, कोज निकाल के? हाँ कह भी सकते हैं आप, कह सकते हैं। मुझे तो बड़ा कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या 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 नहीं कहते हैं मुझे लोग। अगर मेरी बहन थोड़ी सी उसका डल फेस है तो वो गोल्डन पर लगा रही तो मैं कहूंगी एवं लगाई जा रही है, तूने कभी नहीं ठीक होना, तेरी शक्ल ऐसी है, तेरी शक्ल ऐसी कैसी रहेगी। लेकिन शक्ल तो अल्लाह ने बनाई है। हाँ लेकिन अगर वो क्रीम लगा के चिट्टी हो गई है तो मुझे उससे कॉम्प्लेक्स होगा, क्रीम लगा के चिट्टी हुई है, पहले तो तेरा रंग काला ही था, तू क्या कर रही है, तू जैसी थी वैसी वैसी है, बस क्रीम लगा के गोरी हुई है। यानी मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती किसी भी बंदे से, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन जो लड़कियाँ क्रीम लगाती हैं उनके मुंह पे पिंपल निकल आते हैं, फिर वो दुआ मांग रही होती हैं अल्लाह मियां मेरे पिंपल ठीक हो जाए, मेरा सारा मुंह जड़ा ना माता दागी हो गया, खराब हो गया। देखें ये देखें, अब लड़की है, लड़की के मुंह पर पिंपल नहीं निकलेगा तो जानवर के मुंह पर निकलेगा क्या? लड़की के मुंह पर ही निकलेगा। बिल्कुल। अब धूप में अगर आप जाते हैं या आप मेकअप करते हैं तो आपके ऊपर पिंपल निकलेगा ही निकलेगा। इवन एज फैक्टर होता है, 18 साल की उम्र होती है जब लड़की के मुंह पर पिंपल्स आते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि वो क्रीम में लगा लगा के होता है वो। मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरे मुंह पर इतने पिंपल्स आ जाते हैं, जरूरी तो नहीं होता कि क्रीम लगाए तो ही पिंपल्स आ जाए। वैसे भी तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो, तुम काले साबुन से अपना मुंह धोती हो? नहीं मैं डव से धोती हूं। डव से धोती हो? अल्लाह तौबा मेरी या अल्लाह, नादरीन से अपने घर में ना जो साबनदानी है ना उसमें इतनी सी चिप्पर रखी है उससे मुंह धोती है? तो वो जब इतनी ज्यादा बड़ी होती है तो उसको यूज कर करके वो चिप्पड़ी बन जाएगी और बाबा तो होने से हां चिप्पड़ी बनेगी। बाकी सही बात है, जिस जगह पे तुम रहती हो 500 तो खानदान रहन दिया तपड़ी बिच, वो तो चिप्परा ही होनी है ने। चार हम बंदे रहते हैं बस, अम्मी तीन बहने बस। अल्लाह माफ करे, तेरे मोहल्ले जो जुलूस निकले होए लोग कहते धरने से आए हुए। कुछ नहीं होता, सुनसान गलियां हमारे घर की, सुनसान गलियां ने। आप तो लॉकडाउन है, किसी के घर पे भी कोई रश नहीं होता, सब अपने अपने घर में। की कुड़ी होती है जड़ी रात नु अपनी आंखों के बीच ना लम्मा सुरमा पा के ना लम्मिया धारा बना के अपनी दो कुड़ा कट के गुत्ता लमका के कह रही होती है ओ माय गॉड इविल डेड पार्ट 2। मतलब तो बच्चों भी डरा देनी। मैं बगैर मेकअप के जाऊं तो लोगों का इविल डेथ का पार्ट 5 भी नजर आ जाता है। तो बड़ी प्यारी लग रही हो, लगता अपनी भैन का मेकअप चुके है। नहीं ऐसा
ऐसी नहीं हूँ मैं, जितना मिलता है उसमें भी पूरा नहीं खाया जाता। तेरे पर की कुड़ी होती है बैंक के जाली नोट ले गई, कहती मेरे अकाउंट 20,000 जमा कर दो। उन्होंने कहने तो बच्चों की दुनिया लिखी है। अगो निमरा कहती आपको क्या है, मैंने तो अपने अकाउंट में जमा कराने हैं। यह मैं क्या कुड़ी होती है जिन्होंने नोट की तार तो भी करंट पै जाता। बात नहीं है, मेरे पास बहुत नोट है, मुझे करंट भी नहीं पड़ता। तुम घूमती रहती हो, घर के काम भी किया करो। घर के काम करती हूँ और कितना काम करूँ, ये बाहर घूमना कम काम है। आपकी बीवी आपको कहती है बर्तन दो, कपड़े दो, माइक में कभी फिरते ना बाहर, मैंने कभी पूछा क्या करते हैं क्या नहीं करते, जिसका जो काम है वो वही करेगा। मेरी बीवी इतनी अजीम है, मेरी जूती साफ कर देती है। मेरी बीवी इतनी अजीम है, वो कहती तू कंगा रहन दो, सिर तक टाकी मारो तो निकलो बाहर। मेरी बीवी इतनी अजीम है, रात सोन लगे सब तो पहले मैंने खाना खुवादी, बाद आप खुवादी, बाद बच्चे को खुवादी, जिला बच्चे ने महल्ले को खुवादी, बिल नु दूध पाँदी। नहीं मेरी अम्मी कहती तेरी तो शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी, तेरी माता दा की है, तेन फलवारी हुई करूंगी लेकिन बहुत देर बाद। लो नाज़रीन, निमरा दे मच्छी लेके आंदी सरदार मछली वाले को, बिल्ली खा गई मच्छी तो गुस्से च आ गई, तो कहती हूँ इन्हें मैं मारना नहीं, बिल्ली को इंतकाम लेना है। दुध लैके तो बिल्ली के पिछले भजी फिरे, यदि माँ कहती है कि करन डई है, अगो कहती इस बिल्ली ने मैं फुलवारी करके छड़नी है, है? बड़ी जालम हो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह। लो नाजरीन, ये इन्नी खुशबू लगाती है, इन्नी खुशबू लगाती, कभी स्प्रे ला डी है, कभी बॉडी स्प्रे ला रही है, जो कोई स्प्रे ना ना हो तो हाथ अगरबत्तियां फड़ लेंदी है। लो जी, ये तो मतलब चेहर तो मुतमिन जे। हाँ। भैन भरावान भी कहो कि तुम तो जो रब ने बनाया वा मुतमिन रहो। हाँ, ये जैसे आप हैं वैसे ही रहें, क्रीमें लगाने से कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन लगाने से कुछ भी नहीं होगा, एट द एंड आपने बूढ़े ही रहना है, ये जवानी हमेशा नहीं रहनी, हमेशा आपने कब्र में ही जाना है एंड पर, तो इतनी शक्लें संवारने का कोई फायदा। दैट्स वंडरफुल। नाजरीन एक बात याद रखिएगा, ये जो मोबाइल आपके पास आया है इसमें तरह तरह के उन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं, जिसमें आप कानों को खरगोश लगा लेते हैं या अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, रंग आपका वही है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, चेहरा आपका वही है जो मालिक कायनात ने आपको दिया है, और हमेशा ये कोशिश करें कि जो अल्लाह ताला ने आपको सूरत दी है उसी सूरत को खूबसूरत बनाएं और अपने अखलाक के साथ किसी के दिल में जगह बनाएं, क्योंकि इंसान का चेहरा वही खूबसूरत होता है जिसका अमल खूबसूरत होता है। अगर आप बहुत खूबसूरत हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर आप काले हैं, छोटे कद के हैं, बड़े कद के हैं, मोटे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको सांसों की माला से नवाजा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए हैं, तो आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको आँखों से, हाथों से, टांगों से नवाजा है, और सबसे बड़ी बात आपको सेहत अता की है। तमाम कॉम्प्लेक्सेस को ख़त्म कर दें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो भी रुखी सुखी मिले उसको खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें, जुग जुग जिए, सदा सलामत रहें, और कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी के होंठों पर मुस्कुराहट आए, किसी की आँखों में आंसू ना आए, जुग जुग जिए, सदा सलामत रहें। दोबारा मुलाकात होगी टीवी टुडे पे जानू बाबा के साथ।